Assalamualaikum everyone, I hope everyone is fine and having a great day. तो आज की एक छोटी सी वीडियो बस बन रही है इस टॉपिक से रिलेटेड के, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोविड का सीज़न अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, ये स्टिल बहुत पीक पे और बहुत से लोग ऐसे हैं अभी जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई, ठीक है, और जिन लोगों ने अभी भी वैक्सीनेशन नहीं करवाई वो करवा रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने भी इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक किया है और बहुत से लोग सही से नहीं मालूम कि किस तरीके से कौन से प्रोटोकॉल्स हैं, कौन से SOPs हैं जिनको आपने जो है वो फॉलो करना है और कौन सी वो चीज़ें जिनसे आपने एहतियात करना है, आपने प्रिवेंट करना है स्पेशली वैक्सीन लगवाते हुए, ठीक है। तो आज मैं केस डिस्कस करने वाली हूँ, ये तीसरा केस है जो हमारे पास रिसीव हुआ है। पहला केस जो है वो इंडिया में हुआ, दूसरा चाइना में हुआ और तीसरा केस जो है पाकिस्तान में हुआ। अच्छा, अब रीज़न इसका ये बना है कि जो कोविड की वैक्सीन है या कोई भी वैक्सीन की अगर आप बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यूजली वैक्सीन जो है इंट्रामस्कुलर यानी कि IM लगती हैं। जब वैक्सीन इंट्रामस्कुलर या IM लगती है तो वो आपकी बॉडी में आहिस्ता आहिस्ता से एब्जॉर्ब होती है, तो इसलिए बॉडी से एक्सक्रीट होने का टाइम जो IM वाली वैक्सीन हैं, IM वाली तमाम वैक्सीन या इस तरह की प्रेपरेशन यानी कि इंट्रामस्कुलर जो हैं वो बॉडी से टाइम लगाती हैं एक्सक्रीट होने में यानी कि निकलने में, ठीक है। तो इस वजह से आपने इसके साथ ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि उस वैक्सीनेशन को करवाने के बाद आप कोई और दवाई ना खाएँ, ना ओरली लें यानी कि कोई भी ओरली दवाई का ना इस्तेमाल करें, ना कोई ड्रिप की फॉर्म में लगाएँ। IM IV दवाइयाँ लगाने से एहतियात करें। अच्छा, अब लोगों ने क्या किया है कि जी जब वो कोविड की वैक्सीनेशन लगवाते हैं तो देखने में आता है कि उन्हें पेन होने लगती है, क्योंकि जाहिर सी बात है वैक्सीन के कुछ इफेक्ट्स होते हैं, कुछ देर तक आपको पेन की कैफियत महसूस होती है। कुछ लोगों से बर्दाश्त नहीं होता तो वो अपने सामने वाली किसी मेडिकल स्टोर पर गए और जाके वहाँ पर उन्होंने जो है वो डाइक्लो का इंजेक्शन यानी कि जो डाइक्लो बहुत हमारे यहाँ कॉमन प्रैक्टिस में है एज अ पेन किलर, वो लगा लेते हैं। तो एक यंग बच्ची की इस वजह से डेथ हो गई। देखिए, यहाँ पे समझने वाली ये बात है कि बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको इस तरह से तकलीफ हो रही है वैक्सीनेशन लगवाने के बाद, कोई पेन हो रही है, ऐसा कोई सिम्टम देखने में आ रहा है जो कि थोड़ा सा एबनॉर्मल या एबनॉक्शियस है, ठीक है, जो कि यूजली नहीं होता, या थोड़ी देर की पेन होती है, महसूस तो होता है आपकी बॉडी की साइड में पिंच करें, और जब आपको वैक्सीनेशन लगती है थोड़ी सी देर की तकलीफ होती है, अगर वो ज़्यादा टाइम लिमिट की दर्द है कुछ है तो आप पहले डॉक्टर से मशवरा करें या जिस हेल्थ केयर प्रोफेशनल ने आपको लगाया है वो इंजेक्शन आप उससे पूछें, उसको बताएं, ठीक है, ना कि खुद से आप कोई भी मेडिसिन इनटेक करें। ओरली मेडिसिन शायद कहीं ना कहीं आपको बचा देगी, वो रिएक्शन नहीं देगी, लेकिन जो आप IM में लगाएंगे, जो आप IV लगाएंगे मेडिसिन, वो ज़रूर इंट्रैक्ट करेंगी। तो तमाम इस तरह की वैक्सीनेशन के बाद खुद से कोई पेन किलर लगवाने से, कोई इंजेक्शन लगाने से एहतियात करें, क्योंकि ये नई चीज़ है, ये एक नई बीमारी है, इसकी दवाइयाँ नहीं है, इसकी वैक्सीनेशन नहीं है। हमें नहीं पता सही से कि वो वैक्सीनेशन किस चीज़ से इंट्रैक्ट करती है, उसका फूड इंट्रैक्शन कौन सा है, कौन सी खाने की चीज़ों के साथ उसका इंट्रैक्शन है, कौन सी दवाइयों के साथ इंट्रैक्शन है, अभी इसकी सही से मालूम नहीं होती। तो खुद से ऐसे एक्सपेरिमेंट्स बिल्कुल भी मत करिए, और अगर आपको कोई भी सिम्टम महसूस होता है तो ज़रूर जो है वो हेल्पलाइन पर कॉल करके बताएं, गवर्नमेंट की हेल्पलाइन पर, या तो फिर अपने डॉक्टर से या हेल्थ केयर प्रोफेशनल से जहाँ से आपने लगवाई है उनसे पूछें, ताकि वो आपको उस दवाई से रिलेटेड स्पेसिफिक गाइडलाइन दे सकें और आपको सही से गाइड कर सकें, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि किसी की भी जान जो है वो इस वजह से चली जाए थोड़ी सी नाहली की वजह से। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपकी हेल्प हो सकी होगी, अगर कोई सवाल हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। हाफिज।